कार्ड बनाया ना सोनू नाई थी। तो चौधरी गनी साहब ने इस रोड का जल्द से जल्द काम शुरू किया, उनका हम शुक्रगुजार हैं। और ए डब्ल्यू साहब का भी और तमाम यहाँ के आए हुए मेहमान सभी का हम शुक्रगुजार हैं। नहीं है, यही एक अकलमंद आदमी की पहचान है, क्योंकि रोड का काम हो, कोई भी सरकारी काम हो, सरकार जमीन घर से नहीं लाएगी, ज़मीनें आप लोगों की हैं, आप तावन करेंगे, आपको एक अच्छी चीज़ बना के दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह डिपार्टमेंट ने मेहनत की है, इसमें थोड़ा सा ग्रेड आता है या स्टार्टिंग में, इसको भी ये कोशिश करेंगे, ये कम से कम कितना हो सके उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। आगे आई रोड का बेहतरीन ग्रेड है, तो ये काम जल्द अज जल्द जो है ताकि कम्प्लीट हो जाए। मैं इसी पर फिर आकर मैं तमाम जितने भी आए हुए यहाँ हमारे साथी हैं, मौजूद हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। ए डब्ल्यू साहब आए हैं, जय साहब आए हैं हमारे साथ, हम हमारे इसी ब्लॉक के जो मेरे अजीज़ मोहतरम जनाब जमील कोहली साहब आज जो हमारे चेयरपर्सन हैं बीडीसी पुंछ के, वो भी हैं, वो भी अपने ख्याल का इजहार करेंगे। आज के इस मुसर्रत मौके पे मैं सबसे पहले अपने चौधरी अब्दुल गनी साहब का नहायत ही दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी देरीना मांग के आज तक हम बहुत ही यहाँ पे खस्ताहाली में दिन गुजारते रहे, इस मांग करते रहे, हर जो भी लीडर यहाँ आया, जिस वक्त भी आया, जिस इलेक्शन में आया, हमें इस्तेमाल किया, लेकिन हम हर लीडर से मांग करते रहे, लेकिन आज चौधरी अब्दुल गनी साहब जो है हमारी इस मांग पे खड़े उतरे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अमली तौर पे जो आज मशीन ला के हमारे रोड का जो शुरुआत किया है, हम उनका दिली जो है मशहूर हैं, और किसी वक्त भी वो हमें अगर आवाज़ देंगे तो हम जान देने के लिए उनके लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जो वादा हमने इलेक्शन में किया, गनी साहब ने मेरे इलेक्शन में हो चाहे इन्होंने जो भी डिमांडें रखी, तो बाकी जहाँ तक इन रोडों का मसला है, आपने खुद ही देखा कि 70 साल से लेके आज ये 2 साल में जहाँ पूंछ और नंगाली में जो है इन ब्लॉकों में काम हुआ है, यही लोग थे पहले भी, यही लोग वोट देते रहे उन लोगों को, आज तक कोई भी काम आप देखेंगे कि यहाँ ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं जो यहाँ के लोग हैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं लोगों को यही बोलूँगा कि ठेकेदार के साथ रह के जहाँ तक भी है रोड आपके अपने साथ रह के बनानी पड़ेगी आपको, ताकि रोड चलने के काबुल हो जाए। तो इसमें मैं यहाँ के डिपार्टमेंट ईडब्ल्यू साहब, जेई साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी गनी साहब ने डिटेल में बताया कि आने वाले वक्त में और हमने प्लानिंग क्या क्या की है, अभी इस वक्त प्लान ही फाइनल किए हमने, तो जब ये अगले साल, ये तो हमें 2 साल के हैं, नेक्स्ट अगर 1-2 साल और हैं हमारे, अगर इलेक्शन ना हुए तो 2 साल में देखना कि पूंछ और नंगाली जो दोनों ब्लॉक है हमारे, इसमें बहुत सारी चेंजिंग मिलेगी जो 70 साल में आपको नहीं दिखाई देगी। शुक्रिया। तुसा मिले उस बाद फिर कर लेना, मैं व्हाट्सएप नंबर केड़ा है सर पुआ।
चलो बच्चे आप साइड भेजो चलो करो शुरू गणेश साहब मल्ला काजियां रोड जो है उसका काम स्टार्ट किया गया है, जिसकी एस्टिमेटेड कास्ट जो है वो 1,99,00,000 है। ये अंडर BADP है। मैं सबसे पहले PWD के AWE असलम खान साहब, JE हमारे शाह साहब और एक्सन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत से बहुत ही जल्दी में यह टेंडर जो है 10 दिन के अंदर इन्होंने टेंडर जो है लगाया और आज काम जो है इसका स्टार्ट होने जा रहा है। इसके लिए मैं ज़ाती तौर पर PWD के डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। हम 1 महीना पहले यहाँ आए थे, इस मल्ला पटियाँ और बकरवाला जो है ये इससे कनेक्ट होते हुए मल्ला काजियाँ जो रोड है इसका काम जो है इसके लिए यहाँ लोगों ने कहा कि हमें ये रोड जो है बना के दी जाए। यहाँ काफ़ी परेशानियाँ भी आईं लेकिन ये अल्लाह का करम है, जो वादा हमने इनसे किया था आज इनकी रोड का जो टेंडर है वो लग चुका है, ठेकेदार आ चुका है और ये काम आज स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दिन रात करके 31 मार्च से पहले पहले इसको जो है कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि ठेकेदार के लिए भी बड़ा चैलेंज है। एक तो उन्होंने रेट बहुत कम डाला है, दूसरे ये पैसा अगर ये 31 मार्च से आगे चला गया तो पैसा इनको नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने पूरा जोर लगाना है ताकि जितना टेंडर लगा ये पेमेंट इनको हो जाए और हमारी रोड जो है बेहतरीन बननी। बाकी यहाँ के जितने भी हजरात आए हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। ये आपकी बड़ी दरीना डिमांड थी और ये अल्लाह ताला का करम है कि जो वादे हमने इलेक्शन में आपसे किए थे वो अल्लाह के फजल व करम से 2 साल के अंदर जो हैं वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ आपकी वाटर सप्लाई स्कीम का था, कल ही हमारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एक्सन साहब से इसी बारे में एक मीटिंग हुई, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम इस स्कीम को पानी के काम को भी स्टार्ट करवाएंगे। और बाकी यहाँ हमने जो पिछले साल यहाँ एक DDC प्लान से रोड रखी थी उसकी एक्सटेंशन भी है और उस पर इस साल जो है अपग्रेडेशन उसके शिंगल वगैरह मेटल डालेंगे उस पर। तो बाकी भी जितने और उसके अलावा यहाँ मलका में एक इन्होंने पिछले दिनों में मुझे कहा था तो वो भी हमने प्लान में डाल दिया, रोड ट्रैक्टर रोड है वो भी प्लान में और वो भी इसी साल होगी। मुस्तफ़ा नगर वाली रोड का काम भी इसी साल आने वाला जो साल है हमने प्लान में रख दिया है, इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। PHE का काम भी आपका जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होगा। लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, अल्लाह के फजल व करम से हम आपसे वही वादा करेंगे जो वादा निभा सकते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर ड्राई एरिया है वो खेता है, हमने वहाँ खेतों के लिए अलग से भी प्लान में कुछ पाइपें डाली हैं जो उनका एक चश्मा है ताकि उससे खेता के लोगों को पानी मिले। उसके अलावा हमारी पहली कोशिश ये है कि जो कि स्कीम कई अरसा से जो बंद पड़ी हुई है NRD में जो स्कीम थी उस स्कीम को हम मुकम्मल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द यहाँ टेंडर लगेगा, उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी
आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, सड़कें तब बनती हैं जब आप लोग तामन करते हैं। आपके तामन के बगैर सड़क नहीं बनेगी। ठेकेदार भी आ गया, डिपार्टमेंट भी आ गया, पैसा भी रखा गया, लेकिन ये रोड उस दिन बनेगी जब आप ज़ाती तौर पे इनके साथ होंगे। मैं यहाँ हमारे सरदार साहब हैं, मैं उनका ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा ये टेका पॉइंट जो है उनकी जगह से जा रहा है, जगह ये सारी आप लोगों की है, सड़क आपकी है, आप इकट्ठे रहेंगे, सड़क बनाएंगे, इस एरिया की डेवलपमेंट होगी। तो मेरी जिस जिस की भी यहाँ ज़मीन आ रही